Anyone can read the question? Can I read it? Can I read it? Yeah, sure, Pranav. The figure shows two sectors OAB and OPQ with O as the common center. The lengths of OA and OQ are 8 cm and 17 cm respectively. Given that angle POB is equal to angle POQ is equal to 60 degrees, find the perimeter of the shaded region, given your answer in the form A plus B pi, where A and B are rational numbers. जी हम पहले क्या करेंगे एरिया निकालेंगे बड़े इस बड़े वाले सेक्टर का निकालेंगे एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो अब मैं लेट मी शो यू ये बड़ा सेक्टर किधर है ये है ना बड़ा सेक्टर ये सर ये कौन सी एक्सरसाइज है बेटा ये फास्ट एट है ये जी दिस इज द आपकी बुक में शायद मैं भी डिफरेंट टॉप ये डिफरेंट चैप्टर चैप्टर का नंबर डिफरेंट होगा बट उस चैप्टर का एक्सरसाइज ए है ठीक है ये थोड़ा सा प्रिंट ये जो आई थिंक वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका चैप्टर नंबर डिफरेंट होगा बट एक्सरसाइज ए है ठीक है ए का ए क्वेश्चन नंबर एट है ठीक है आपने ना उस पर अपनी बुक में जो कॉन्टेंट्स है वहां चेक करो कि ये सेक्टर ऑफ द सेक्टर कहां पर है जी बेटा दिस इज द लार्जर सेक्टर ना ये बड़ा सेक्टर है ये मैंने बनाया बड़ा ना ठीक है और अब मैं इसका एरिया निकाल लूंगा तो एरिया होएगा थीटा होगा आई थिंक यू नो द फार्मूला थीटा इसका 60 है और 360 इनटू पाई आर स्क्वायर पाई एंड आर कितना व्हाट इज द आर ऑफ दिस लार्जर सेक्टर कितना आर है इसका बेटा 17 है ये लिखा हाँ ये इसका लिखा हुआ रेडियस आर 17 तो अब आपने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी मैंने आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन द मिडल ऑफ द वर्किंग बीच में नहीं पाई तो आपने आंसर देना इन टर्म्स ऑफ पाई अब हमारे पास वी कैलकुलेटर इज अलाउड लेट मी यूज कैलकुलेटर नाउ ओके द फ्रैक्शन 60 ओवर 360 You can see how I am using calculator. So you should know how to use calculator. फिर pi होगा. Look the pi. Shift. And pi is over here. ये calculator में यहाँ ये लिखा है brown सा. ये pi आ गया. फिर मैंने करना 17 square. Sorry, it is 17 square. 17 and square. ठीक हो गया? तो होगा ये आ गया हमारे पास 289 over 6 pi. तो ये हमारा पहला दिस इज द सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर जी बच्चों ये समझ में आ गया यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप सबको समझ में आ गया अब मैं क्या करूंगा अब मैं एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर विच इज द वाइट वाइट इन कलर अब मैं छोटे का निकालूंगा जो छोटा सेक्टर है ना उसका निकालूंगा एरिया तो छोटा सेक्टर वेयर इज छोटा सेक्टर इट इज ओवर हियर Let me show you. This is the smaller one. ये हो गया Yes, there you are. There you are. And this is the smaller sector. अब इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर जी तो वही थीटा ओवर थ्री व्हाट्स इसका भी थीटा 60 है सेम एंगल है दोनों का इनटू पाई आर स्क्वायर व्हाट इज द आर ऑफ स्मॉलर सेक्टर बेटा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटीमीटर या इट इज या 8 सेंटीमीटर गुड 8 स्क्वायर हां सो नाउ लेट मी यूज अगेन कैलकुलेटर तो अब मैं इस कैलकुलेटर में चेंज देखें आई विल चेंज हेयर रेडियस में चेंज आएगा यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ ओह सॉरी 18 हो गया 8 करना 8 हो गया और द रेस्ट इज सेम द एवरीथिंग इज सेम नाउ जस्ट प्रेस इक्वल नाउ 32 ओवर 3 पाई
32 over 3 pi. This is the area of the smaller sector in centimeter square. Okay. Achha. Hey, oh, sorry. Ye to usne, oh, sorry. Isne to kaha tha perimeter nikalein. Main to area nikala. Chalo, koi baat nahi. Suppose iske andar ek part hai. Ye A part hai. Aur B part mein hai. B part mein karna hai. Find the area of shaded region. Find area of shaded region. Suppose ये इसका एक और part भी है, वो मैंने खुद ही बना दिया है. तो वो कैसे करते हैं? वो मैं पहला part पहले, I am doing B part first now, okay? तो चलें, आप कैसे करूँगा? Area of shaded region. ठीक है ना? वो कैसे निकालूँगा? जी कैसे निकालूंगा बेटा ये? How to find area of shaded region? This is the shaded region. कैसे निकालूंगा बेटा? Anyone can let me know? Smaller sector minus करेंगे. Exactly. बड़े में से जो एक बड़ा जो बड़े का एरिया है, area of the largest sector, which is 289 over 6 pi. इसमें से माइनस कर दूंगा छोटे वाले को. ठीक है, इसको माइनस कर दूंगा. अच्छा, अभी भी पाई की वैल्यू नहीं पुट करूंगा. आई विल टेक पाई कॉमन. अगर मैं पाई कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो ये बन जाएगा 289 ओवर 6 माइनस 32 ओवर 3. अच्छा, यू आर वेरी ग्रेट पीपल, यू आर वेरी लकी पीपल. यहां पर नो नीड टू टेक एलसीएम शेलसीएम एंड बस कैलकुलेटर पकड़ें. चेक द कैलकुलेटर. इसमें पहले ये फ्रैक्शन लगा लें. 289 डिवाइडेड बाय 6. इसको इधर लिखना है माइनस सेकंड फ्रैक्शन 32 ओवर 3. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट. बस प्रेस करें इक्वल 75 ओवर 2. सो दिस इज 75 ओवर 2 पाई. ठीक है ना? दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने एंड में जाकर आपने पाई की वैल्यू पुट करनी. अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड गिव. तो आप देखें, ये आ गया आंसर. तो अब मैं करता हूं ये अगेन. दिस इज 75 डिवाइडेड बाय कम डाउन टू और क्या शिफ्ट एंड हेयर पाई इज ओवर हेयर. प्रेस हेयर. अब प्रेस दिस एस डी बटन. ओ 117.809. अब आपने क्या करना है? राउंड दिस अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो आंसर होएगा 118. आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में. तो बुक के पीछे 118 लिखा हुआ होता है. बच्चे कहते हैं ये हमारा आंसर क्यों डिफरेंट आ गया? हमारा आंसर 117.8 आया. बट द रीजन इज उसने इस आंसर को राउंड किया. एक्सक्यूज मी, वुड यू लेट मी नो कि एक पेरीमीटर करना है. पेरीमीटर में क्या होता है? द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ आउटर. जी, आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको बेटा? माई वॉइस इज क्लियर बेटा? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है. ये है जी इसका आउटर बाउंड्री. लेट मी शो यू आउटर बाउंड्री फर्स्ट कि हमने करना क्या है. ये रेड कलर के अंदर ये एक तो ये बाउंड्री हो गई और एक ये हो गया. ये भी आउटर बाउंड्री में आती है. ये हो गया सेकंड, ये हो गया और फोर्थ ये हो गई. दीज आर ऑल फोर बाउंड्रीज ऑफ द शेड रीजन. इनकी लेंथ निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? ये दिस इज आर्क लेंथ ऑफ द लार्जर सेक्टर. दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ द स्मॉलर सेक्टर. एंड कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस? ये कितना एपी कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड दिस एपी? हाँ, या ये जो बड़े वाला ये 17 है और छोटे वाले 8. तो 17 माइनस 8 कर देंगे 9. सो दिस इज 9.
दिस लेंथ इज 9 और ये भी 9 है, ये भी 9 है, ठीक है। तो अब हमने बस आर्क लेंथ निकालनी है, तो चले आर्क लेंथ निकालते हैं जल्दी जल्दी से, हरी आप। तो आर्क लेंथ ऑफ लार्जर सेक्टर, ठीक है, विच इज थीटा 60/360 इंटू पाई इंटू टू पाई आर ना, टू पाई आर, टू पाई आर, टू इंटू पाई आर, एंड आर इज बड़े का आर 17 है। अच्छा, इस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे आर्क लेंथ, सॉरी इट इज आर्क लेंथ ना, मैंने आर्क लिखा हुआ, आर्क लेंथ लिखे ना, आर्क लेंथ है, आर्क नहीं है, आर्क लेंथ ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो उसका उसका आर्क कितना है, टू, टू पाया, उसका आर्क कितना है, 8 है। जी बच्चों समझ में आ रहा है आपको यहां तक, यू अंडरस्टैंड? यस। तो एंड में मैंने मालूम करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है बच्चों। तो आप देखो यहां से आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूं, थोड़ा क्विक करता हूं। पहले लार्जर सेक्टर, लार्जर सेक्टर 60/360 ये हो गया, और इनटू टू पाए, और आर की वैल्यू है 17, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 17/3 पाए, पहला बन गया 17/3 पाए, और आर्क लेंथ जो होती है इट इज इन सेंटर। यस, अगर हमें क्वेश्चन में कहेंगे हम सिर्फ पाई में आंसर लिखेंगे या हमेशा पाई में लिखना है? हमेशा पाई में लिखना है। और पाई, अगर उसने पाई की वैल्यू उसने उसने कहा कि पाई की वैल्यू पुट कर, तो हमेशा एंड में जाके पुट करनी है, ठीक है, शुरू में नहीं करनी। इससे ना वर्किंग जरा वर्किंग बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा वर्किंग हो जाता है। अच्छा, आप सेकंड में क्या करेंगे, इसका जस्ट रेडियस चेंज करेंगे और यहां पर 8 लिखूंगा, तो आंसर आ जाएगा 8/3 पाई। सेकंड का जो आंसर है वो 8/3 पाई है। अच्छा बच्चों, आप पेरीमीटर क्या होएगा, ये सारी लेंथ ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों आर्क लेंथ ऐड करेंगे, 17/3 पाई प्लस दूसरी आर्क लेंथ भी इसमें ऐड कर देंगे, सेकंड वन, और फिर ये दोनों ये 9/9 भी ऐड करेंगे, ये 9/9 भी ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो +9+9, सो दिस विल गिव अस द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। सो लेट मी, आप देखो ये दोनों 9/9 18 बन जाएंगे, और इन दोनों के साथ पाए पाए है, इसको कैलकुलेटर से करते हैं, तो चलते हैं इनको करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये 8/3 पाए तो ऑलरेडी इसके अंदर है, प्लस 7, मुझे समझ नहीं आ रही, आप समझा, कौन कौन ये कौन फिर से समझा देंगे, कौन बोल रहा है, हु इज देयर, कौन बेटा बात कर रहा है, सर मिशाल, सर आप फिर से समझा सकते हैं, मिशाल डोंट वरी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपने रिकॉर्डिंग चेक करनी है, रिकॉर्डिंग से भी समझ में ना आया तो फिर आपने पूछना है, ठीक है। 25/3, इन दोनों का सम 25/3 पाए है, इन दोनों का 25/3 पाए, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना, कि वाई उसने कहा है आंसर, उसने देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज रीड द स्टेटमेंट, यहां पर क्या लिखा है, आंसर आपने इस शेप में देना है, a+b पाए, तो इसमें a, इस 18 को लिखो पहले और इसको लिखो बाद में, 25/3 पाए, तो नौ, आप इसको इसको कंपेयर करो इसके साथ, a+b पाए, तो बताओ पाए के साथ पाए मैच करेगा, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 25/3, हाँ b है 25/3, और a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 18, सो वी हैव गिवन अवर आंसर इन द फॉर्मेट a+b पाए में, ये इसका आंसर है, सो वी हैव डन दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड, पूरा क्वेश्चन हो गया, इसकी मैं रिकॉर्डिंग सेव कर लेता हूं।